आज एडवांस में चालू टाइप टाइप फोर वाला क्वेश्चन है। यदि एक्स बराबर चार ए प्लस चार ए बी बटे ए प्लस बी कॉमा है ए बराबर नहीं है बी हो तो एक्स प्लस टू ए बटे एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी बटे एक्स माइनस टू बी। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन है ए में, ऑप्शन आपका लिखा हुआ है ए, बी में है बी, सी में है टू ए बी और डी में आपका दो। तो ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी इंटू प्लस ए प्लस बी बटा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म आपका दिया हुआ है ये आपका ए का काम करेगा और ये आपका बी का काम करेगा, ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां ए रहेगा वहां वहां एक्स प्लस टू रखेंगे और जहां जहां बी रहेगा वहां एक्स माइनस टू ए रखेंगे। ई टर्म में ए का मान ये काम करेगा और बी का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए लिखा लेते हैं, ए का मान क्या है एक्स प्लस टू ए, फिर प्लस बी है, बी का मान एक्स माइनस टू ए। ध्यान दीजिएगा, बटा ए का मान एक्स प्लस टू ए माइनस, देखिए बी का मान ये काम करेगा माइनस ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा टू ए प्लस। अब इसमें देखिएगा ए है तो ए का मान एक्स प्लस टू बी प्लस एक्स माइनस टू बी बटा ए का मान एक्स प्लस टू बी माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, ई भी बी का काम करेगा तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस टू बी हो जाएगा। अब जो कटता काट दीजिए, टू से टू खत्म हो गया, इसमें एक्स एक्स खत्म होगा और इसमें होगा टू बी खत्म, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो टू एक्स बटे चार ए प्लस, इसमें भी होगा टू एक्स भी चार भी हो जाएगा, काट दीजिए दो दूनी चार दो दूनी चार, तो एक्स बटे टू ए प्लस एक्स बटे टू बी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, टू बी होगा तो बच जाएगा कुछ बी एक्स या ए एक्स। ध्यान दीजिए, एक्स कॉमन ले लेते हैं, अन्य एक्स इसमें कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा बटे टू ए बी। ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान आपको दिया हुआ है, रख देते हैं फोर ए बी बटे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बटे टू ए बी। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म हो जाएगा, ए बी से भी खत्म होगा, टू दूनी चार हो जाएगा, आपका दो आंसर यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए होंगे और आपका क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इतना करने कोई जरूरत नहीं है, अगर दो टर्म में है, दो टर्म में है, एक टर्म दो टर्म डायरेक्ट मारिएगा आंसर दो, अगर तीन टर्म में रहेगा तो तीन मारिएगा, चार टर्म में रहेगा तो चार मारिएगा, अब पांच टर्म में रहेगा तो पांच आंसर मारिएगा। ये आपको देखना चाहिए खाली कितने टर्म में है।
अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो कहता है यदि x बराबर टू रूट सिक्स बटे रूट थ्री प्लस रूट टू हो तो x प्लस रूट टू बटे x माइनस रूट टू प्लस x प्लस रूट थ्री बटे x माइनस रूट थ्री बराबर व्हाट। ए में आपका ऑप्शन है ए, बी में है बी, सी में है जीरो और डी में है दो। ध्यान दीजिए, उतना करने कोई जरूरत नहीं है, आप देखते के साथ आंसर मारिएगा। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म दो टर्म, आंसर आपका दो हो जाएगा। देखिए प्रूव कर देते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी बटे ए माइनस बी ना होता है, फॉर्मूला भी लिखा है ए माइनस बी तो होता है ए प्लस बी इंटू प्लस ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा इसमें ए ए का काम करेगा और ए बी का, इसमें ए का नहीं, सॉरी इसमें नहीं, इसमें ए का और ए बी का, इसमें ए का इसमें बी का। ये तो x का मान दिया हुआ है, x का मान पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा a यहाँ a लिखा है तो a का मान क्या है x प्लस रूट टू, x प्लस रूट टू देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, b तो b का मान ध्यान दीजिएगा x माइनस रूट टू है बटा, अब ध्यान दीजिए a माइनस बी तो a का मान x प्लस रूट टू माइनस है, माइनस देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस तो माइनस दें, बी का मान क्या है एक्स माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस आई प्लस हो जाएगा रूट टू प्लस। इसमें भी आइए ए का मान एक्स प्लस रूट थ्री और प्लस बी का मान कितना एक्स माइनस रूट थ्री बटा, अब ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना एक्स प्लस रूट थ्री माइनस, अब बी का मान कितना एक्स माइनस चल जाएगा अंदर प्लस रूट थ्री हो जाएगा। अब देखिए जो करता कर दे, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स खत्म होगा, इसमें रूट थ्री खत्म, इसमें एक्स एक्स खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक्स एक्स कितना होगा टू एक्स बटे दो रूट दो हो जाएगा प्लस एक्स एक्स टू एक्स बटे टू रूट थ्री हो जाएगा। अब कैल्सियम लेना है, कहीं गलती ना उनके यहाँ कुछ नहीं है ना, हाँ ठीक। अब ध्यान दीजिए दो से दो कैंसिल, दो से दो कैंसिल यानी एक्स बटे रूट टू प्लस एक्स बटे रूट थ्री ये हो जाएगा छ, एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस यानी रूट टू इंटू रूट थ्री होगा ना तो ये रूट थ्री एक्स हो जाएगा आई रूट टू एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक्स कॉमन ले लेते हैं तो रूट थ्री प्लस रूट टू बाटे हो जाएगा छ कर सकते हैं रूट सिक्स। आप ध्यान दीजिएगा एक्स का मान दिया हुआ है रख दीजिए आंसर आ जाएगा, एक्स रखते हैं एक्स का मान देखिए यहाँ है तो यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स का मान बैठाइए टू रूट सिक्स बटे रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस रूट टू बटे रूट सिक्स, इसे ही खत्म हो जाएगा।
छह से सौ खत्म, बचा कितना? दो आंसर। ऑप्शन कितना? डी। इतना मत करिएगा, ठीक है? यहाँ देखिएगा कितने टर्म है, अगर दो टर्म में रहेगा दो आंसर होगा, तीन टर्म में रहा तीन आंसर होगा, और चार टर्म में रहेगा चार आंसर। यानी आपको देखते ही आंसर मार देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखते ही मारिएगा, इतना पर मत करिएगा, मिटा देते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीन नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर फोर ए बी बाटी ए प्लस बी है हो तो x प्लस टू ए बटे एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी बटे एक्स माइनस टू बी बराबर वाई। ए में ऑप्शन लिखा हुआ है, ए में है एक, बी में है दो, बी में है बी सॉरी, और सी में है जीरो, और डी में है दो। देखिए कितने टर्म, टर्म देखिएगा, ठीक है? टर्म एक टर्म, दो टर्म, आंसर दो। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार आपका कह रहा है यदि x बराबर चार रूट पंद्रह बटे रूट पांच प्लस रूट थ्री हो तो x प्लस रूट बीस बटे, बीस नहीं है टू ए है, बीस है जी, रूट बीस बटे माइनस रूट बीस प्लस एक्स प्लस रूट बारह बटे एक्स माइनस रूट बारह। ए में ऑप्शन लिखा है, इसका मान निकालना व्हाट। ए में लिखा है वन, बी में दो, सी में रूट थ्री, और डी में आपका है रूट रूट पांच। ध्यान दीजिएगा कितने टर्म, एक टर्म, दो टर्म, आंसर दो। दिक्कत नहीं होगा, चार हो गया, पांच देखिए, देखते के साथ मानना, देखते के साथ, देखते कौन बताते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स बराबर टू रूट चौबीस बटे रूट पांच प्लस रूट टू हो तो एक्स माइनस रूट आठ बट्टे एक्स प्लस रूट आठ प्लस एक्स प्लस रूट बारह बट्टे एक्स माइनस रूट बराबर वाट। आंसर आप सब तो बना ही दिए होंगे। ए में आपका ऑप्शन है, ए में एक है, बी में दो, क्वेश्चन नंबर पांच ना, ऑप्शन सॉरी, ए में दो है, बी में जीरो, और सी में माइनस दो, और डी में वन है। ध्यान दीजिएगा, इधर से हमको कोई मतलब नहीं, हम तो प्रूफ कर दिए हैं वो, ठीक ना? हमको इधर देखना है कि कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, आंसर दो ही नहीं होगा, दो होगा। चलिए टाइप चार में सिर्फ
था, पांच क्वेश्चन था और हमने पांचों बता दिए हैं। अब देंगे, ध्यान दीजिएगा, टाइप आपका अगला चालू होता है, उसमें हम बता दिए थे टाइप 4, 5, 6, 7, 8, 9 बता दिए, 10 बता रहे हैं। टाइप 10 देखिएगा, टाइप 10 में आपका 10 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन टाइप 10, पहला क्वेश्चन लिखा है यदि x प्लस 1 बट्टे x बराबर 5 हो तो 2x बट्टे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर व्हाट। आपको ऑप्शन दिख रहा हो, ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के बाद यानी x के मान आप कुछ भी रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यानी 5 आना चाहिए, ना ही तो इसका एलसीएम लीजिए, एक्स का मान पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स एक्स प्लस एक बट्टे एक्स बराबर कितना 5, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, ध्यान दीजिएगा कितना बच जाता है, जो देखिएगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं, 5x-1, एक्स के मान भी निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 5, कौन मान पुट होता है आप देखिएगा, 2x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x, अब ध्यान दीजिएगा 2x है, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 माइनस 5x, अब ध्यान दीजिएगा 2x x प्लस 1 का मान दिया हुआ है क्या, थ्री एक्स से इसमें भागा दे दीजिए, देखते हैं थ्री एक्स से भागा देते हैं तो एक्स प्लस एक बट्टे 3 बट्टे एक्स हो जाता है ना, तो एक बट्टे एक्स हो जाएगा ही। अब इसका मान देखिए रख देंगे, इसका मान डायरेक्ट रखेंगे, अभी माइनस 5x रह दीजिए, 2x अब ध्यान दीजिए इसका मान कितना लिखना है 5, तो पंतिया 15x-5x, तो ध्यान दीजिएगा 2x बट्टे कितना बच जाएगा 10x, एक्स एक्स खत्म होगा, 2×5=10, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए में ऑप्शन था, ए में था आपका, ध्यान दीजिएगा ए में था 1/4 और बी में था 1/5 और सी में था 3 और डी में है 1/3, ऑप्शन आपका 1/5 आ जाएगा, दिक्कत। इसमें ध्यान दीजिएगा जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसका एक्स का मान निकालने के बाद आप देखिए कहां पर पुट करेंगे ताकि आपका आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा 2, दो नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि 2x प्लस 1/3x बराबर है 5 हो तो
पांच हो तो पांच एक्स बटे छो एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स प्लस वन। ध्यान दीजिए, ए में ऑप्शन ली है आपका, ए में एक बटे चार है, बी में है आपका एक बटे छो, सी में है एक बटे सात और डी में है एक बटे पांच। देखिए कौन ऑप्शन आता है, वही करेंगे। इसको पहले हल कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है। ठीक है, टू एक्स प्लस एक बटे थ्री एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं बराबर पांच, थ्री एक्स आपका एलसीएम जाएगा तो सिक्स एक्स हो जाएगा, प्लस वन होगा बराबर फाइव एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सरिया के लिखिएगा तो डायरेक्ट बढ़ जाएगा, इसमें गुना करते हैं तो सिक्स एक्स प्लस वन बराबर सिक्स एक्स स्क्वायर ना होगा, कितना होगा पंतिया पंद्रह एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ लेते हैं, पहले पांच एक्स है ना, इसको लिख सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिएगा इतना का मान लिख सकते हैं पंद्रह एक्स है ना। अब आगे चलते हैं, अब प्लस बीस एक्स लिख देते हैं, जैसे वैसे लिख दीजिए, ये पांच एक्स है तो पांच एक्स। देखिए इतना के मान आपका दे लिया कितना, पंद्रह एक्स लिख देते हैं प्लस बीस एक्स। देखिए पांच एक्स इसको जोड़िएगा तो पैतीस एक्स, एक्स एक्स खत्म पांच सते पैतीस यानी एक बटे सात, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तारी आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा दो, हो गए ना। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा, तीन नंबर है, यदि एक्स प्लस ए बट्टे एक्स बराबर है बी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बटे है बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की बराबर बट। ए में ऑप्शन है आपका ए प्लस बी है,